नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का दीपाई आर स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक केस लिए डीआई डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड हमारी डीआई रहेगी, मेंस लेवल की डीआई रहेगी और मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, ठीक है ना। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ डीआई बना रखी है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर, आप लोग वहाँ पर जाकर उन सारे डीआईस को आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है डीआई, और अगर बैंक की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो वो सभी एग्जाम जिसमें डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। तो आप लोगों की वीडियो लास्ट तक देखना है, सारे के सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं आप लोगों को। मैं बार बार बोल रहा हूँ और फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाइए, नॉर्मल वीडियोज़ के तरीके से इसको मत देखिए कि देखिए और ले जाइए मुरारी बापू की कथा की तरीके से। कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे उसको आप लोगों को एक बार खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप लोग चीजों को क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि गलतियां कहां पर हो रही हैं। और जब तक आप लोग ये नहीं जान पाएंगे कि आप लोगों से गलतियां कहां पर हो रही हैं आप लोग उसमें करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कई साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो इन सारी चीजों में जो होती है हमारी प्रैक्टिस जो है वो हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे क्वेश्चन नहीं बनते। तो आप लोग किसी भी चैनल से पढ़ाई करिए, किसी भी यूट्यूब से पढ़ाई करिए, चाहे वो मैथ्स की डीआई हो जाए, चाहे वो रीजनिंग की पजल्स हो जाए, आप लोगों के सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद में आप लोग फिर से सोल्यूशन देख के जाइए। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से लगाएंगे, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लोग उसके बाद में आगे पूरा का पूरा सोल्यूशन देख के जाएंगे। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिए, थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाइए और देखते हैं कि डीआई में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है रीड द गिवन डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द गिवन टेबल शोज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फॉर सिक्स शॉपकीपर्स एंड द मार्कअप परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। एक टेबल दी गई है, यहाँ पर शॉपकीपर हमको दे दिया गया है, पी क्यू आर एस टी और यू, ये हमारे शॉपकीपर हैं। इस वाले कॉलम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एस पी और सी पी का डिफरेंस दे दिया गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दोनों का होगा वो डिफरेंस दिया गया है इसमें। और इस कॉलम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दिया गया है मार्कअप परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ऊपर जो है मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, ये डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है ना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि सी पी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ मोटा मोटा मैं आप लोगों को। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब हो जाएगा कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, जितने में खरीदी जाएगी उतने में तो बेची नहीं जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ बढ़ाकर दाम लिखा जाता है, तो जो बढ़ाकर दाम लिखा जाता है उसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद में क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जो बढ़ाकर दाम लिखा जाता है उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट देने के बाद वो बेच दिया जाता है, तो जिस दाम बेच दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और रही बात अगर प्रॉफिट और लॉस की, तो प्रॉफिट और लॉस जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ये थोड़ा बहुत बेसिक हो गया। अभी यहां पर एक टर्म यूज हुआ है मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज का मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक आने के बीच में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, उसी को हम लोग परसेंटेज मार्कअप बोलते हैं। यानी कि मार्कअप परसेंटेज का यूज़ करके हम लोग सीपी और मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, अगर इससे हमको परसेंटेज वैल्यू मिल जाए या रेशियो मिल जाए तो हम लोग जो है इससे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारा मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा। और फार्मूला के फॉर्म में अगर देखें तो एम पी माइनस सी पी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इन 200 हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा इसका मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया है, आप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए इसमें बोला गया है शॉपकीपर आर सेल्स हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 700 रुपीज एंड इनकर्स ए लॉस, देन फाइंड द मार्क प्राइस मार्क बाय द शॉपकीपर आर। हिंदी में अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो क्या मतलब हो जाएगा, दुकानदार आर जो है अपनी वस्तु को 700 रुपये की छूट पर बेचता है और उसे हानि हो जाती है। हानि होने का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है उसकी कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगी। पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है दुकानदार आर द्वारा अंकित मूल्य ज्ञात करें, इसमें हमको मार्क्ड प्राइस निकालना है, मार्क्ड प्राइस जो है दुकानदार आर के लिए निकालना है, और आर ये रहा, आर ये रहा, ठीक है ना। तो चलिए अगर आर की बात हो रही है तो हम लोग आर यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग सी पी, सी पी के बाद में आता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के बाद में आता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि आर के जो कॉस्ट प्राइस है एक्स है, आर की अगर कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं तो आर का मार्क प्राइस कितना होगा, आर का मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, तो आर का मार्कअप परसेंटेज देखिए ना, मार्कअप परसेंटेज कितना है, 75% है, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1.75 इसका जो है 1.75x जो हो जाएगा, ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई।
ये मार्कअप परसेंटेज दिया ही इसीलिए गया था कि सीपीयू और एमपी जो है मार्कअप परसेंटेज से ही निकालते हैं। तो मार्क प्राइस हमारा 1.75x हो जाएगा, ईएक्स को हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, तो मार्क प्राइस हमारा जो है 1.7x हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला गया है कि ₹700 का आर्टिकल आर शॉपकीपर आर सेल्स हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹700 एंड इनकर्स लॉस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में मार्क प्राइस पे जो है वो ₹700 का डिस्काउंट देता है, ₹700 का डिस्काउंट देता है और लॉस हो जाता है, और लॉस हो जाता है, ठीक है ना। ₹700 का डिस्काउंट देता है और लॉस हो जाता है, तो लॉस हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी ये अभी तो हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं। लेकिन टेबल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो टेबल में हमको क्या दिया गया है, टेबल में हमको दिया गया है एसपी और सीपी का डिफरेंस दिया गया है ना ₹400, एसपी और सीपी का डिफरेंस ₹400 दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ₹700 का डिस्काउंट देने पर उसको हानि होती है, और हानि होने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी ₹400 कम हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस भी मिल गया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा x-400, कैसे आया ये आप लोगों को बता दिया, कॉस्ट प्राइस ये था ₹400 का डिफरेंस था, हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो हमारी हो जाएगी x-400 हो जाएगी। तो अब हमको सीपी मिल गया, मार्क प्राइस मिल गया और जो है सेलिंग प्राइस मिल गया, हमको मार्क प्राइस ही निकालना है। अब एक रिलेशन हमको ये भी दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि ₹700 के डिस्काउंट पर बेचा गया है, ₹700 का छूट दिया गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग इसका इसका डिफरेंस निकालें तो ₹700 आना चाहिए, इसका इसका डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो भाई देखिए इसमें से 700 घटा देंगे हम लोग तभी तो जाकर हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा, मार्क प्राइस माइनस 700 कर देंगे तभी तुम्हारा सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट दिया गया है ₹700 का, 1.75x पे ₹700 का डिस्काउंट दे दिया गया है तब जाकर ये सेलिंग प्राइस आया है, ₹700 का डिस्काउंट दिया गया। तो चलिए बस इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, 1.75x ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, इस पे हम लोगों ने ₹700 का डिस्काउंट दिया था घटा दिया, अब ये जो होगा ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, इतने में हमको बेचा है, इतने में हम लोगों ने बेचा और सेलिंग प्राइस प्राइस क्या है x-400 जो है ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, x को अगर हम लोग इधर ले आ लेंगे तो कितना हो जाएगी 1.75x-x और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 400 प्लस 700 हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 300 हो जाएगा और ये 75 होगा, यहाँ पर 5 भी होगा, मैंने केवल x लिख रखा है, ठीक है ना। अब 1.75x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.75x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.75x, 0.75x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 × 150 चौका ₹400 जो है हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। अभी x की वैल्यू अगर हमारी 400 आ गई तो निकालना क्या है, मार्क प्राइस हमको निकालना था, मार्क प्राइस कितना है 1.75x है, तो यानी कि 1.75 × 400 हम लोग कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग 400 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4×5 = 20 के शून्य, हासिल 2 हो जाएगा, 4×7 = 28, 2×30 के शून्य हो जाएगा, हासिल 3 और 4×9 = 4, 3×7 ₹700 जो है हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा ₹700, मार्क प्राइस जो है हमारा ₹700 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें बोला गया है फॉर शॉपकीपर Q&T कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द आर्टिकल आर इक्वल एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ क्यू इज 300 मोर देन दैट ऑफ टी, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टी टू क्यू एंड बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात किसकी किसकी हो रही है, क्यू और टी की, तो पहले क्यू और टी को मार्क कर लो, ठीक है ना, क्यू और टी को मार्क कर लो। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को पहले क्या दिया गया है ये पता होना चाहिए, इसको अलग से लिख लो, क्या निकालना है ये हमको पता होना चाहिए, क्या निकालना है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस के अप्रोच को बनाते जाएंगे, अननेसेसरी डाटा कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टी टू क्यू, टी और क्यू का सेलिंग प्राइस का हम निकालना, रेशियो निकालना है टी और क्यू का जो है हमको सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्यू की बात करेंगे फिर टी की बात करेंगे, इधर टी की बात करेंगे, ठीक है ना, क्यू और टी दोनों की बात होगी। हमको इनका तीनों चीज़ें, इनकी कॉस्ट प्राइस, इनकी मार्क प्राइस और इनकी सेलिंग प्राइस, ये हमको तीनों निकाल लेना है, उसके बाद में हमको रेशियो मिलाएगा। तो चलिए एक टेबल फॉर्म में हम लोगों ने थोड़ा सा इसे बना लिया है चीज़ों को आसान करने के लिए। अब हम लोग चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्यू की बात करेंगे, क्यू और टी की कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। देखिए ना क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर इक्वल, तो अगर क्यू की सीपी की हम लोग बात करें तो क्यू के सीपी चलिए हम लोग मान लेते हैं, क्यू के सीपी एक्स मान लेते हैं, टी का भी सीपी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और अगर अब मार्क प्राइस की बात करें, क्यू की मार्क प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू की मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, क्यू का मार्क प्राइस निकालने के लिए इसका मार्कअप परसेंटेज देखेंगे, और मार्कअप परसेंटेज कितना दिया गया है 80%,
80% क्यू का मार्कअप परसेंटेज दिया गया है। तो अगर सी पी एक्स है तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 1.8x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप लोग बताओ 1.8x होगी कि नहीं, 1.8x जो है इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्कअप परसेंटेज हमको दिया गया है 80%। इसी तरीके से हम लोग टी का भी मार्क प्राइस निकाल लेंगे, टी का भी मार्क प्राइस निकाल लेंगे। टी का मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, टी का मार्कअप परसेंटेज कितना दिया गया है 50%, तो अगर ये एक्स है तो ये 1.5x हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस 1.5x हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक चीज़ें क्या बोली गई हैं, इसके बाद में बोली गई हैं कि बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एयर प्रॉफिट, यानी कि दोनों का जो एस पी होगा, दोनों का जो एस पी होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलकर आई है। और आगे क्या बोला गया है, आगे अगर हम लोग बात करें कि इसमें एक लाइन ये भी लिखी गई कि दी मार्क्ड प्राइस ऑफ क्यू इज 300 मोर देन दैट ऑफ टी, क्यू का मार्क प्राइस जो है टी के मार्क प्राइस से 300 ज़्यादा है। क्यू का मार्क प्राइस, इसको समझने की कोशिश करो, क्यू का अंकित मूल्य टी की तुलना में 300 अधिक है, यानी कि क्यू माइनस टी के अगर मार्क प्राइस कर दें तो 300 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। ये लाइन जो यहाँ पर दी गई, मार्क प्राइस ऑफ द क्यू इज 300 मोर देन दैट ऑफ टी, यानी कि क्यू का जो मार्क प्राइस है टी के मार्क प्राइस से 300 ज़्यादा है। तो क्यू का मार्क प्राइस कितना है, क्यू का मार्क प्राइस है 1.8x, टी का मार्क प्राइस कितना है, टी का मार्क प्राइस है 1.5x, माइनस 1.5x कर देते हैं, ठीक ना। दोनों को घटा देंगे, कितना ज़्यादा है 300 है, ठीक ना। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0.3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, ठीक ना। और यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1000 हो जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 1000 हुई, जैसे ही x की वैल्यू 1000 हुई, CP कितना हो गया इसका, CP हो गया हमारा 1000, इसका भी CP कितना हो जाएगा 1000, कॉस्ट प्राइस 1000 हो गई। मार्क प्राइस की बात करेंगे तो 1800 मार्क प्राइस इसका हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1500, इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1500। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ टी टू क्यू, टी और क्यू का सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना, टी और क्यू का सेलिंग प्राइस निकालना है, इसका भी सेलिंग प्राइस निकालना है, इसका भी सेलिंग प्राइस निकालना है, उसके बाद इसका हमको रेशियो निकाल लेना है। तो देखिए टी का सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, टी का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, क्यू का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये देखिए हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया, डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि दोनों ने अपनी वस्तुएं लाभ में बेची, लाभ में बेचने का मतलब क्या हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया, तो बस कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है वही जोड़ देंगे, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपये है, और क्यू का डिफरेंस कितना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, कितना है इसका डिफरेंस, कितना है इसका डिफरेंस है, कितना देखिए 500 का है, डिफरेंस कितना है 500 का, डिफरेंस अगर इसका 500 हो जाएगा तो क्यू की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 1000 प्लस 500, क्योंकि सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1000 प्लस 500। ये सब लिख रहा हूँ केवल समझाने के लिए, ये सब वहाँ एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, वहाँ पर अवॉइड करेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए लिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और टी की अगर बात करेंगे तो टी का कॉस्ट प्राइस कितना है, टी का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये हम लोगों ने निकाला है, ठीक है ना, ये रहा टी। और टी में कॉस्ट इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, 200 का है, और सेलिंग प्राइस इसका भी ज़्यादा है क्योंकि इन दोनों ने अपनी वस्तुएँ लाभ में बेची हैं। तो अब हम लोग जो है टी का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है वो जोड़ देंगे, कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है, तो इसको हमने जोड़ दिया तो हमारा आके आ गया ये 1200 हो गया। तो दोनों का अब सेलिंग प्राइस निकल गया। अब हमको जो रिक्वायर्ड रेशियो निकालना, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ टी टू क्यू, टी और क्यू का रेशियो पूछा गया है। कई बार लोग क्या होते हैं कि ऑप्शन में आप लोग क्यू और टी का रेशियो निकाल लेंगे और वही आंसर क्लिक कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यू और टी का रेशियो हमको नहीं निकालना है, हमको टी और क्यू का रेशियो निकालना है। ऑप्शन में दोनों दिया रहता है, क्यू और टी का और टी और क्यू का, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हम लोग गलत कर देते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी है। टी और क्यू का सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है, तो टी का सेलिंग प्राइस कितना है, ये रहा 1200, क्यू का सेलिंग प्राइस कितना है 1500, तो बस सीधे सीधे कर दो इसको, 1200 रेशियो 1500, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 पच्चे 15 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4:5, टी और क्यू के सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का रेशियो है क्यू और टी के, टी और क्यू के, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 4:5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन ये भी था, सारा कुछ डाटा पर खेलना था हम लोगों को, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं निकालनी होती, क्वेश्चन को पॉइंट वाइज पढ़ते जाइए आप लोग, जो चीज़ें हमको दे दी गई हैं उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद में जो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अननेसेसरी हमको इन्फॉर्मेशन सबकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने जाने कोई ज़रूरत नहीं है, सिस्टमेटिक वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से बनता जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए इसमें क्या दिया गया है, शॉपकीपर यस मेक्स सेम प्रॉफिट एज बिफोर बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। इफ ही सेल्स दैट आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1250 देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बात किसकी हो रही है, शॉपकीपर यस की, यस की। निकालना क्या है हमको, निकालना क्या है हमको, निकालना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है हमको ये निकालना है। तो ये चीज़ें लिख दो, यस का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमको, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हिंदी में समझना चाहें तो इसमें बोला गया है, दुकानदार यस 10% और 20% के क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचकर पहले ही जैसा लाभ कमाता है, यदि वह 1250 रुपये की छूट देता है, छूट पर वस्तु को बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए यस की हम लोग बात करते हैं, यस की बात करते हैं, और यस का हम लोग क्या निकालना है, सीपी निकालेंगे, एमपी निकालेंगे और एसपी निकालेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सीपी और एसपी निकालना ही पड़ेगा, और बीच में एमपी का भी रोल आएगा, मार्क प्राइस का भी रेशियो आएगा, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज दिया गया है, मार्कअप परसेंटेज से हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए यस की बात करेंगे, तो यस का मार्कअप परसेंटेज कितना दिया गया है, यस का मार्कअप परसेंटेज दिया गया है 66/2/3%, ये रहा ना 66/2/3%। तो हम लोगों ने परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ रखा है कि 66/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों को जबानी याद होना चाहिए, ये जबानी याद होना चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर उसकी सीपी हम लोग 3x मान लेते हैं, यस की सीपी 3x मान लेते हैं, तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा, 3+2 5x हो जाएगा, मार्कअप उसका कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है ना, मार्कअप कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5x हमारा उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए फिर से समझिए आप लोग, यस का जो मार्कअप परसेंटेज दिया गया 66/2/3% दिया गया है, 66/2/3% का मतलब 2:3 होता है रेशियो में, और अगर 3x को हम लोग उसका सीपी मान लेते हैं तो 3+2 5x जो है उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब मार्क प्राइस मिल गया तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस भी आसानी से निकल आएगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है, 10% का एक बार डिस्काउंट देता है और 20% का एक बार डिस्काउंट देता है। तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, हमारा मार्क प्राइस कितना है, 5x है, 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि इंटू 90/100 कर देंगे, दोबारा 20% का डिस्काउंट देता है, इंटू 80/100 कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। चलिए इन दो जीरो से ये दोनों जीरो हमने उड़ा दिया, ठीक है ना, ये दोनों जीरो उड़ा दिया, और ये कितना हो जाएगा, 5 अगर इसको हम लोग काट देते हैं, 5 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 20 बार हो जाएगा। फिर से इसको हम 4 से काट देते हैं, 4×5 20 हो जाएगा, ये 4×2 8 हो जाएगा, यानी कि 18/5 और 18/5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6, कितना हो जाएगा, 3.6, यानी कि 3.6x, 3.6x जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 3.x जो है हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब क्या है, अब ये चीज़ें देखिए, इसमें क्या बोला गया है, सीपी और एसपी का क्या दिया गया है, डिफरेंस भी दिया गया है। सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना दिया गया है, 600 का दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ये देखिए ना क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं, ये देखिए एसपी और सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया गया है, कितने का दिया गया है, 600 का दिया गया है, और उसके बाद में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बोला गया है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब एसपी ज़्यादा होगा, एसपी ज़्यादा होगा तो एसपी कितना है, एसपी ये देखिए कितना है, 3.6x है, तो यानी कि 3.6x माइनस सीपी कितना है, ये रहा 3x, इसका डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन में ही दिया गया 600 हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 600, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंस के बराबर हो जाएगा 600 के, 3.6x में से 3x चला जाएगा, 0.6x हो जाएगा, इसकी वैल्यू 600 के बराबर हो जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, यस की वैल्यू 1000 आ गई, यस की वैल्यू जैसे ही 1000 आई, सीपी हमारा कितना हो गया, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 3000, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3000, सीपी हो गया 3000, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 5000, मार्क प्राइस 5000 हो जाएगा। और अब इससे हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे, इससे ये सेलिंग प्राइस ऐसा नहीं कि इसमें 1000 से गुणा करके सेलिंग प्राइस निकाल दें, नहीं, इसके लिए एक लाइन और दी गई है। एक लाइन क्या दिया गया है, उसमें बोला गया है कि इफ़ ही सेल्स दैट आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 1250, यानी कि वो 1250 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, और वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 1250 रुपये का दे रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इससे 1250 रुपये कम कर देंगे, माइनस 1250, 5000 में से 1250 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3000
हाँ तीन 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 3750, 3750 हो जाएगा ये। चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें बोला गया है ही सेज दैट आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 1250, 1250 रुपये के डिस्काउंट पर वो अपनी वस्तु को बेचता है। मार्क प्राइस हमारा 5000 हो गया था, इस पर 1250 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि इसमें से 1250 रुपये घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस 3750। अब हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। सीपी हमको पता है 3000 है, एसपी हमको पता है 3750 है, परसेंटेज प्रॉफिट हमको कैसे निकाला। परसेंटेज प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 3000 माइनस, लिख दे रहा हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख दे रहा हूँ 3000, ये 3000 नहीं होगा, लिख 3750 माइनस 3000, ठीक है ना, अपॉन 3000 अपॉन 3000 इंटू 100। ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको दिमाग में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 750 बाई 3000 इंटू 100। तो ये दो जीरो, ये एक तीन जीरो, तीन जीरो से तीन जीरो उड़ गया, ये तीन से काट देंगे 75 को, तो 25 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25%, 25% जो है उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके एक बार देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी टाइम लेके इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप लोगों को समझ में आएंगे। उसके बाद भी नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपने डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक वगैरह भी दे दिए हैं, आप लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप भी हमारा है, जहाँ पर हम लोग लगातार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ भी हम लोग बना के डालते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन तो आप लोग उसको जाकर जल्दी ज्वाइन करिए, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर लगातार हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते रहते हैं। खैर छोड़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइसेस ऑफ शॉपकीपर पी क्यू एंड यू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:4 एंड ईच सेल्स हिज आर्टिकल एट प्रॉफिट। सभी लोग जो है अपने आर्टिकल्स को, अपने सामान को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोला गया, इफ यू सेल्स हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 600 रुपीज देन फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। यानी कि हमको इसमें से क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस क्यू। पी का सेलिंग प्राइस क्यू के सेलिंग प्राइस का कितना है, इसका मतलब कि क्यू का सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, पी का सेलिंग प्राइस निकालना है। इन दोनों का सेलिंग प्राइस निकालने के बाद में हम आगे क्वेश्चन को बढ़ा पाएंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और बात यहाँ पर किसकी हो रही है, पी यू और क्यू की, पी क्यू और यू की। तो पी ये रहा, क्लिक कर लो आप इसको, क्यू ये रहा और यू ये रहा, हमको डाटा इन्हीं तीन टेबल से उठाना है, ठीक है ना। और ये सभी लोग जो हैं, सभी लोग जो है प्रॉफिट में अपने इसको बेच रहे हैं सामान को, अपनी वस्तु को, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट, उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी। और इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस के किसके किसके, पी क्यू और यू की, तो किस रेशियो में दिए गए हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो किस रेशियो में दिया गया है, 3:2:4, 3:2:4 के रेशियो में ये इनका कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है ना। और सभी जो है प्रॉफिट में बेचते हैं, सभी प्रॉफिट में बेचते हैं, इसका मतलब एस पी इज ग्रेटर देन सी पी हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो है यू के बारे में थोड़ा डिटेल और दी गई है, यू के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दी गई है, तो हम लोग यू को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यू से ही जो डिटेल आएगी उससे हम लोग जो है आगे सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। क्योंकि बोला गया है इसमें, इफ़ यू सेल्स हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 600 रुपीज देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो हम लोग यू को पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर यू की हम लोग बात करते हैं तो यू का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यू का सी पी निकालेंगे, मार्क प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है ना। यू का सी पी कितना हो जाएगा, यू का सी पी कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको यू का मार्कअप परसेंटेज देखना पड़ेगा, यू का मार्कअप परसेंटेज देखना पड़ेगा। और यू का मार्कअप परसेंटेज कितना है, यू का मार्कअप परसेंटेज 75% है, यू का मार्कअप परसेंटेज 75% है। 75% का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू को में 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, 3/4। इसका मतलब यू की सी पी जो हो जाएगी 4x अगर हम लोग मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 4+3x यानी कि 7x, मार्क प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक। ये हमको पता चल गया, कैसे पता चला, हमने मार्कअप परसेंटेज से निकाला। 4x अगर सी पी मानते हैं, कॉस्ट प्राइस मानते हैं, तो 4+3 कर देंगे, 4+3 कर देंगे, तो उसका मार्कअप मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना, मार्क प्राइस आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है, अब इसमें बोला गया है, एक चीज़ ये बोली गई है कि उनके सी पी और एस पी का डिफरेंस दिया गया है।
यूके सीपी और एसपी का डिफरेंस दिया गया 300 रुपये, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये यू जो है प्रॉफिट में बिजनेस करता है, अपना सामान जो है प्रॉफिट में बेचता है। प्रॉफिट में बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट प्राइस से, कितना ज़्यादा हो जाएगी, डिफरेंस के बराबर ज़्यादा हो जाएगी। डिफरेंस कितने का है, 300। तो अगर सीपी हमारा 4x है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4x प्लस 300, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 300 हमारा ये सीपी हो जाएगा, 4x प्लस 300 हमारा ये सीपी हो जाएगा। यहाँ से क्या चीज़ निकल गया है, यहाँ से हमने तीनों का रेशियो निकालने की कोशिश की, तीनों चीज़ें निकाली, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल ली, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर और दी गई है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि यू सेल्स हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 600 रुपीज़, यानी कि 600 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 707x से 4x प्लस 300 आने के लिए -600 किया जाएगा। भाई 7x में से 600 रुपये का डिस्काउंट देंगे तभी तो सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा, मार्क प्राइस में से जितना डिस्काउंट देते हैं उसी के बाद में तो सेलिंग प्राइस आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस में से अगर हम लोग, या तो इस तरीके से करें, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दें, डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं, डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है, 600 रुपये का है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारा कितना है, 7x है, 7x। सेलिंग प्राइस कितना है, 4x प्लस 300 है, माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा है तो इतना हो जाएगा -4x -300 हो जाएगा, ये -300 हो जाएगी, ये लाइन मैंने डायरेक्ट लिख दी है, इक्वल टू 600 हो जाएगा। यहाँ से 7x में से 4x जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी, 900 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 300 हमको मिली, अब हमको u का cp मिल गया, cp कितना हो जाएगा, 4x है, x की वैल्यू 300 है, तो ये 1200 हमारा cp हो जाएगा u का, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, u का cp कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें भी 300 से गुणा कर देंगे तो 7 × 3 = 2100 इसका हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो 4x प्लस 300 है, तो 4 × 3 = 1200 और 12 × 3 = 1500, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, यू का सेलिंग प्राइस हो गया ये 1500 हो गया। तो ये डिटेल हमको मिल गई, ये डिटेल हमको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिल गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब देखिए अब क्या बोला गया था, अब जो है सीपी का रेशियो दिया गया था, पी क्यू और यू के सीपी का रेशियो दिया गया था, और यहाँ पर हमने यू का सीपी निकाल भी लिया है, यू के सी पी ये निकाल लिया है, यू के सी पी का रेशियो भी ये दिया गया है। इसका मतलब 4 की वैल्यू 1200 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 300 के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू 300 के बराबर हो गई। यहाँ से क्या निकल गया, 1 की वैल्यू 300 के बराबर हो गई, 1 की वैल्यू 300 के बराबर हो चुकी है ये, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 300 के बराबर हो गई है तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इंटू 300 कर देंगे तो ये 900 के बराबर हो जाएगी। 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इंटू 300 कर देंगे, 600 के बराबर हो जाएगी। 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इंटू 300 कर देंगे तो 4 × 3 = 1200 हो जाएगी। यानी कि P, Q और U का CP ये आ गया, नया CP हम लोगों ने निकाल लिया। P का CP कितना हो जाएगा, 900 रुपये, Q का CP 600 रुपये और U का CP 1200 रुपये हो जाएगा हमारा ये। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें CP और SP का डिफरेंस भी दिया गया है, पी क्यू और यू के सी पी और एस पी का डिफरेंस भी दिया गया है। और ये बोला गया है क्वेश्चन में ही कि ये लोग प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनका जो एस पी हो जाएगा, पी क्यू और यू का एस पी जो हो जाएगा वो ज़्यादा होगा सी पी से, और कितना ज़्यादा होगा, जो उनका डिफरेंस होगा एस पी और सी पी के डिफरेंस के बराबर ही ज़्यादा होगा। और डिफरेंस यहाँ पर ये दिया गया है, तो पी का डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो 300 है, पी के एस पी और सी पी का डिफरेंस 300 है, पी का सी पी अगर ये रहा 900 तो पी के एस पी कितना हो जाएगा, 900 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा पी का सी पी एस पी। क्यू का एस पी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू का एस पी कितना है, ये क्यू का सी पी कितना है, 600 रुपये, और क्यू का जो डिफरेंस है कितना है, 500 दिया गया है। तो यानी कि इसका 600 प्लस 500 क्यू का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, ठीक है ना। और यू का तो खैर निकालना नहीं है, पी और क्यू से ही काम कर हो जाएगा हमारा। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, यानी कि पी का सेलिंग प्राइस जो है ये 1200, ये 1100 का कितना प्रतिशत है, यही निकालना है। तो रिक्वायर परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, रिक्वायर परसेंटेज हम लोगों को निकालने के लिए बस सीधे सीधे 1200 × 1100 का कितना परसेंट है, 1200 × 1100 × 100 कर देना है, इंटू 100 कर देना, यही आंसर आ जाएगा हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, ये हो गया 1200 × 11, और 11 से अगर हम लोग भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 11 × 1 = 11 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 लगा देंगे, 11 × 9 = 99 हो जाएगा, और 1 × 11 = 1/11, 109 सही, 1/11% जो है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। पी का सेलिंग प्राइस जो है, पी का सेलिंग प्राइस क्यू के सेलिंग प्राइस का 109 सही, 1/11% है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस डीआई सेट का हम लोग करेंगे, देखते हैं इसमें क्या बोला गया और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, मार्क द प्राइस ऑफ आर एंड टी आर इन द रेशियो ऑफ 7:6, ठीक है ना। क्यू आर और टी के, आर और टी के मार्क प्राइस का रेशियो दिया गया है। इफ आर सेल्स हिज आर्टिकल एट प्रॉफिट एंड टी सेल्स हिज आर्टिकल एट लॉस, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो आर और टी के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है, आर और टी के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है, ये तो हमको निकालना है, ठीक है ना। और उनके कॉस्ट, उसके मार्क प्राइस का रेशियो दिया गया है। आर और टी के मार्क प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं, मार्क प्राइस की बात करते हैं किसके, आर और टी के, तो इसका रेशियो हमको दिया गया क्वेश्चन में, कितना है ये 7:6 है। चलिए ये 7:6 हो गया। उसके बाद में बोला गया आर सेल्स हिज आर्टिकल एट प्रॉफिट, यानी कि आर के केस में क्या हो जाएगा, आर के केस में हमारा हो जाएगा आर प्रॉफिट में बेच रहा है तो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी होगा। एंड क्यू, एंड क्यू सेल्स हिज आर्टिकल एंड लॉस, ठीक है ना। इफ आर सेल्स हिज आर्टिकल एट प्रॉफिट एंड टी, सॉरी टी क्यू नहीं, टी सेल्स हिज आर्टिकल एट लॉस, यानी कि टी के केस में क्या हो जाएगा, टी क्योंकि लॉस में बेच रहा है इसलिए एस पी जो है लेस देन सी पी हो जाएगा, एस पी जो है लेस देन सी पी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है हमको इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, आर ओ टी का, आर ओ टी का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसको हम लोग इंडिविजुअल तरीके से ही निकालेंगे, अलग अलग ही निकालना पड़ेगा तभी निकल के आ पाएगा। तो चलिए हम लोग आर की बात करेंगे, पहले पहले अगर आर की बात करेंगे तो आर का सी पी, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं, एंड सेलिंग प्राइस हम लोगों को निकालते हैं। तो ये रहा आर, आर और टी की बात हो रही, आर ये रहा, टी रहा, हमको डाटा यहीं से उठाना है। आर का अगर हम लोग मार्कअप परसेंटेज देखें तो कितना है, आर का मार्कअप परसेंटेज है 75%। 75% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, यानी कि अगर 4x जो है हम उसका सी पी मान लेते हैं तो 4+3x उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो आर का सी पी हम लोगों ने कितना मान लिया, 4x मान लिया, या मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 4+3x यानी कि 7x हो जाएगा, 7x उसका हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। और आर के केस में क्या बोला गया है, आर के केस में बोला गया है कि आर प्रॉफिट में बेच रहा है, आर लॉस में नहीं बेच रहा है, प्रॉफिट में बेच रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा होगा, डिफरेंस के बराबर ज़्यादा होगा। आर में डिफरेंस कितना है, 400 के बराबर। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 400 दिया गया है, और क्योंकि आर प्रॉफिट में बेच रहा है इसलिए आर का जो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, डिफरेंस के बराबर ज़्यादा होगा, डिफरेंस 400 का है। तो यहाँ से आर का जो है हमको सेलिंग प्राइस भी मिल गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 4x प्लस 400 हमने ऐड कर दिया, 400 डिफरेंस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। आर की बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अब बात करेंगे हम लोग टी की, टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो टी का अगर हम लोग सी पी, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस निकालें तो कैसे निकालेंगे, टी का मार्कअप देखेंगे, टी का मार्कअप कितना दिया गया है, 50% का। टी का मार्कअप दिया गया है 50% का, 50% का मतलब क्या हो जाता है, 1/2। 1/2 यानी कि अगर 2x जो है उसका सी पी मान लेते हैं तो 2+1 3x जो है उसका, 3x जो है उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो टी का सी पी हम लोगों ने कितना मान लिया, 2x मान लिया। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा उसका 3x हो जाएगा, 2+1 3x हो जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज़ हमको और देखना है, एक चीज़ हमको और देखना है, यहाँ पर मार्क प्राइस का रेशियो शुरू में ही दे दिया गया था, 7:6 दे दिया गया था। तो 7:6 जो है ये 7 तो है ही है, क्योंकि एक्स वाई जेड किसी से गुणा करें, अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 के रेशियो में वो हमारा रेशियो ऑटोमेटिकली बैलेंस कर जाएगा, रेशियो बैलेंसिंग मेथड में अगर 7 के आगे हम एक्स वाई जेड किसी से भी गुणा कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 7:6 रेशियो आ जाएगा। लेकिन ये कितना है, ये 3x है, ये 3x है। यहाँ पर हमारा जो मार्क प्राइस का रेशियो है 7:6 ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस रेशियो में हम लोग अगर 2 से गुणा कर दें तो जो है ये जो मार्क प्राइस का रेशियो होगा इसका आर ओ टी का ये बराबर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया तो टी का नया सी पी कितना हो जाएगा, टी का नया सी पी हो जाएगा 4x, टी का नया मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 6x, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 2, 2 × 4 ये हो जाएगा 6x। अब जैसे ही ये 6x हुआ, टी का इसका रेशियो मार्क प्राइस का और आर का मार्क इसका मार्क प्राइस का रेशियो 7:6 हो गया कि नहीं, ये देखो 7x हो जाएगा और ये कितना है 6x हो जाएगा। तो आर और टी के बीच में जो मार्क प्राइस का रेशियो है ये भी बराबर हो गया, ठीक, ये बराबर हो गया। दूसरी बात, दूसरी बात इसमें क्या दी गई है, टी के लिए बोला गया है, इसमें टी के लिए बोला गया है कि टी जो है लॉस में बेचता है, लॉस में बेचता है इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो है कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस से कितना कम होगा,
जितना उसका डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के, जितना डिफरेंस होगा उतना ही तो कम होगा, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस टेबल में कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। तो इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6x-200, कितना हो जाएगा 6x-200 जो है हमारा ये, इसका 4x-200 कॉस्ट प्राइस से कम होगा ना, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4x-200 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर गलती कर सकते थे, आप लोग अगर ये रेशियो यहाँ पर बैलेंस नहीं करते और बिना रेशियो बैलेंस करते हुए यहाँ पर अगर आप लोग घटा देते तो आप लोग इसको लिखते 2x-400 लिखते, -200 यहाँ पर लिख देते और -200 लिख देते। उसके बाद में एक कंडीशन दी गई थी मार्क प्राइस के रेशियो बराबर करना होता, तो मार्क प्राइस के रेशियो को बराबर करने के लिए आप लोगों को दो से इस इक्वेशन में गुणा करना पड़ता, तभी तो आप लोगों ने केवल इसी दो में दो से गुणा किया है। लेकिन अगर ये लिख लिए होते पहले तो इसमें भी दो से गुणा करते और दो से गुणा करते तो कितना बन जाता 4x-400, उस कंडीशन में ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने पहले ये बैलेंस कर लिया है रेशियो, उसके बाद में हम लोगों ने इसका सेलिंग प्राइस निकाला। यहाँ पर गलती करने के चांसेस हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, ये ध्यान दीजिएगा। तो नया रेशियो कितना हो गया टी का, सीपी हो गया 4x, मार्क प्राइस हो गया 600 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4x-200 इसका हो गया ये टी का। और अगर आर की बात करेंगे, आर का हो गया 4x+400। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है, यानी कि बस 4x+400 माइनस इसका हमको कर देना है। सेलिंग प्राइस कितना है, आर का सेलिंग प्राइस कितना है 4x+400, आर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये रहा ना आर का सेलिंग प्राइस। टी का सेलिंग प्राइस कितना है 4x-200, इसका डिफरेंस निकालना है तो -4x-200, इसी को हमको सॉल्व कर लेना हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x+400 -4x प्लस हो जाएगा +200, इस 4x से इस 4x ये उड़ जाएगा, 400+200 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 600, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है ना, उनके विक्रय मूल्य के अंतर आर रोटी का निकालना है, तो उनके दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो 600 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे तो ये पूरी DI बहुत अच्छी थी, इसके सारे क्वेश्चन हमारे, इसमें सारे कंसेप्ट हमारे परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के रिविजन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज कर करके खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश की होगी, क्योंकि अगर खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी ना तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि गलतियां कहां पर होगी। अगर वैसे आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आपसे फिर से बता रहा हूं कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप लोग उसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है तो वीडियो एक बार फिर से पीछे करके देखिए, ठीक है ना, खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिल्कुल खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं, वीडियो अच्छा लगा और कुछ अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिले हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और क्या पढ़ना है आप लोगों को मैथमेटिक्स में, करंट अफेयर्स में, स्टैटिक्स में, आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप के लिए आपको मैं बोलूँगा कि आप लोग फेसबुक ग्रुप भी जाकर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं खुद ही सारे करंट अफेयर्स के मंथली क्विजेज वगैरह कराता हूँ, सबके आंसर्स भी देता हूँ, और आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज में एग्रेसिवली आप लोग पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ढंग से करिए, अननेसेसरी इधर उधर रैंडमली घूमने से, रैंडमली वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं रहने वाला है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।